अस्सलामु अलैकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आई नो बहुत दिन हो गया था, बट आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। सो इट्स अ स्मॉल प्रिटी क्यूट सा व्लॉग है, अ डे इन माई लाइफ का। सो वील गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग उठ गए थे सुबह में, हम लोगों ने बेसिक अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। यूजली मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, बट आज मैंने शायद थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे, या मैं कभी कभी थोड़े ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल खा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी, वो हम लोग ने कर ली। हम लोग ने एग्स ऑर्डर किए तो वो भी आ गए थे, तो मैंने वो वॉश करके वो सब अपने अपने इनकी जगह पर रख लिए थे। उसके बाद हो गया था, फिर मैंने एक अच्छा सा शावर ले लिया। देन शावर लेने के बाद हम लोगों ने किया बेसिक स्किन केयर। स्किन केयर मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर सीरम और थोड़ी सी वैसलीन लगा ली बेसिक सा, बिकॉज ऑफ कोर्स वेदर भी अभी ऐसा है, लाइक ह्यूमिडिटी है, बारिश बहुत हो रही है, बट स्टिल जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत है वेदर में, तो इस वजह से बेसिक सा हम लोग स्किन केयर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने स्किन केयर किया, फिर मैंने नमाज पढ़ी एंड नमाज एंड ऑल पढ़ के हम लोग फ्री हो गए थे। सो उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा वेदर भी दिखा देती हूँ। सो खूब तो वेदर बहुत अच्छा था, एकदम सनी सा डे था। तो उसके बाद फिर हो गया था लंच टाइम, तो हम लोगों ने फिर लंच कर लिया। लंच में मम्मी ने बनाया था जीरा राइस, साथ में थी येलो दाल, सम एग्स एंड लौकी, सो हम लोगों ने वो खाई। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, और मैंने सोचा मैं कोई क्विक एंड ईजी सी रेसिपी बनाती हूँ। सो हम लोगों ने बेसिक पास्ता बनाने का सोचा, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वेजीज़ ले ली, उनको अच्छे से सॉटे किया, उसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड किए, सॉस ऐड किए, आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स लाइक जो दिल करे वो डाल दो। उसमें हमने अपना पास्ता ऐड किया और फिर हमने उसको कुक कर लिया एंड इट वाज थोड़ी देर आप उसको स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे और फिर आप उसमें एग्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो बना लिया था, फिर हम लोगों ने वो एंजॉय किया। उसके बाद फिर हो गया था डिनर टाइम और मम्मी डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, और आज हम लोग बना रहे थे मटन करी और साथ में वेज पुलाव। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने मटन को कुक होने के लिए रख दिया था, और फिर पुलाव के लिए हम लोगों ने अनियन ब्राउन कर ली थी, और पुलाव में हम लोग यूज़ कर रहे थे आज पटेटोज, साथ में हम लोग ग्रीन पीस यूज़ कर रहे, तो ये हम लोग की फ्रोजन पीस थी, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में मिर्चे हैं और अनियन। सो ये हम लोगों ने सबको कुक कर लिया अच्छे से, अनियन को लाइक थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें पटेटोज और पीस ऐड की, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें राइस ऐड करके उसमें वाटर ऐड कर दिया, और फिर हम लोग ने उसको कुक होने के लिए रख दिया। जो भी बेसिक स्पाइसेस डालते हैं, नमक मिर्चे एंड ऑल, आप डाल दें और फिर आप उसको थोड़ी देर कुक होने दें और वो दम पे लग जाएगा। और ये इजी, बहुत इजी होती है रेसिपी, मम्मी बहुत बनाती हैं, मम्मी क्या अप्पी भी यूजली बहुत बनाती हैं, हम लोग को बहुत पसंद है और अच्छे एक हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग का राइस जो था वो एकदम रेडी हो गया था। सो मम्मी ने बोला कि अब अभी डिनर कर लो, बिकॉज मैंने नमाज भी पढ़ ली थी। तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिनर किया, सो मटन करी थी, साथ में राइस था, और हम लोग ने अच्छे से डिनर इन्जॉय किया। और यूजली हम लोग जल्दी डिनर कर लेते, इतना लेट नहीं। सो मैंने छोटू सा ही व्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं। सो उसके बाद फिर हो गया था रात का टाइम, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कार्टून देख लेते हैं, सो मैंने कार्टून नेटवर्क लगा लिया था। सो उसके बाद हम लोग सो गए। तो ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड बी सून बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।